दोस्तों, मैं रणधीर सेंगर और आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं बॉलीवुड के कुछ टॉप जो चुनिंदा जो खबरें होती हैं आपके लिए। बहुत दिनों तक मैंने टॉप जो बॉलीवुड टॉप न्यूज होता है वो मैंने बनाया नहीं। कई दोस्त लोगों ने मेरे को बोला कि आप आजकल टॉप न्यूज जो बॉलीवुड की खबरें हैं बताते नहीं हैं, तो मैं बहुत दिनों के बाद ये मूवी बनाने जा रहा हूँ। तो पहला खबर है, जो भारत के जो सुपर हीरो ऐसे कौन से हैं टॉप, जिनके फिल्मों का प्रशंसक या बोल सकते हैं कि दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, पहला है कल्कि 2898 AD का, जो 27 जून को सिनेमा घर में लगी थी और बहुत अच्छा बिजनेस किया। मैंने पिक्चर देखी, मुझे अच्छी लगी थी। अब उसके दूसरे पार्ट जो है कल्कि 2898 AD का दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद क्रिश 4 जो है उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसको आपको पता ही है क्रिश 4 में जो कोई मिल गया के बाद से शुरू हुआ क्रिश, उसके बाद क्रिश जो सीरीज है, अब क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। अब बताया जाता है कि उसमें ऋतिक रोशन के अपोजिट में, कि शायद क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के अपोजिट जो है टाइगर श्रॉफ वो रोल कर सकते हैं। जो आप पहले देखा होगा विवेक ओबरॉय इसमें काम किए थे क्रिश 3 में। कई लोग तो बोलते हैं कि बॉबी देओल भी आजकल चर्चाओं में है, शायद बॉबी देओल को भी रोल मिल सकता है। तो देखिए क्या होता है, अभी तक ऐसे कोई है नहीं। अश्वत्थामा जो शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड पिक्चर है, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये मूवी को फाइनेंसर नहीं मिल रहा है और ये शायद पिक्चर नहीं बनेगी। लेकिन अभी तक ये पता है कि पौराणिक कथा आपको पता है अश्वत्थामा के बारे में, तो उसपे मूवी जो है बनाने के लिए शाहिद कपूर को लेकर प्लान किया गया था। लेकिन इसके ऊपर यही खबर लेटेस्ट आ रही है कि शायद ये पिक्चर नहीं बन पाएगी, ठंडे बस्ते में चली गई। अब जय हनुमान के बारे में पता ही होगा कि हनुमान का सिक्वल है जय हनुमान, जिसके लिए आपको पता होगा कि ऋषभ शेट्टी जो है वो काम करेंगे हनुमान जी की भूमिका के। उनका पोस्टर भी रिलीज हो चुका है और ये भी जो है दर्शक की सिनेमाघरों में। ब्रह्मास्त्र ट्रू जो है रणबीर आलिया को आलिया भट्ट की मूवी जो है वो उसका भी सिक्वल का दर्शक जो इंतजार करें। लेकिन एक चीज इसमें बहुत बड़ा है कि मूवी की सिक्वल तभी बनती है जब पिक्चर हिट होती है। अब ब्रह्मास्त्र के टाइम में बहुत ये बताया गया कि ब्रह्मास्त्र सुपर हिट पिक्चर है, लेकिन फिर अगर ब्रह्मास्त्र जब रिलीज हुई थी 2023 में रिलीज हुई थी, उस समय जो धर्मा प्रोडक्शन की जो नेट वर्थ है मतलब नेट प्रॉफिट साल का वो 13 करोड़ है। तो सोचिए कि ब्रह्मास्त्र ने कैसे कमाया होगा। ये हमेशा से एक मतलब बोल सकते हैं कि जो कमाई होता है ना बॉलीवुड का, उसपे एक शक पैदा करता है। तो जो भी हो, आगे की खबर ये है कि भूल भुलैया 3 जो है वो 300 करोड़ का जो क्लब है वो क्रॉस कर चुकी है। आपको बताया 20वां दिन चल रहा है और उसमें वर्ल्ड वाइड में आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड वाइड में उसने कितना कमाई किया। ये अपने आप में देखिए 18 दिन का तो रिकॉर्ड उसका आ गया कि कितना कमाई किया। वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 360 करोड़ उसने कमाया है वर्ल्ड वाइड में, 360 करोड़ के वर्ल्ड वाइड में कमाई किया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 267 करोड़ के करीब करीब उसने इंडिया नेट में कमाया है। और इस तरह से देखा जाए तो आपको इंडिया नेट में 257 करोड़ और 25 लाख रुपया, ओवरसीज से इसने 78 करोड़ कमाया है। और जो एक सिंगल डे में अभी जो उसकी कमाई चल रही है मैं 2 करोड़ के करीब आसपास। तो मैं आपको जैसे बताया 360 करोड़ के ऊपर इसने कमाई कर चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉफिट बोल सकते हैं। और इंडिया नेट में 257 मतलब 60 करोड़ के आसपास है, तो 40 करोड़ कमाई केवल इंडिया नेट में कमाने का। तो देखते हैं कि केवल इंडिया नेट की कमाई 300 करोड़ का क्लब को क्रॉस करती कि नहीं ये भूल भुलैया 3। सलमान खान को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि आप लोग जानते हैं कि सलमान खान आजकल सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं। जो मुर्गस जो थे गजनी जो आमिर खान को लेकर बनाए थे वही फिल्म को बना रहे हैं। लेकिन इसके बाद सलमान खान की कौन सी पिक्चर आएगी उसके ऊपर अपडेट है। उसके ऊपर अपडेट है कि आपने सुना होगा बीच में बहुत ज्यादा ये न्यूज चल रहा था कि एटली के साथ वो मूवी बना सकते। पहले तो यही आ रहा था कि एटली डायरेक्ट करेंगे सिकंदर को, लेकिन फिर दबंग का आया कि दबंग के लिए बात कर रहे हैं जो उनके भाई हैं अरबाज खान दबंग 4 के लिए। लेकिन वो सब अलग है, पता नहीं दबंग 4 ही है जो एटली डायरेक्ट करेंगे या कोई और मूवी होगी, लेकिन एटली के साथ मूवी बनने जा रही है सलमान खान का। इसके अलावा सूर्या को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि आप लोगों को पता होगा कि जो ओम प्रकाश बोलते राकेश नाथ मेहरा जिन्होंने पिक्चर बनाया था, वो आमिर खान को लेके पिक्चर आया था उनका रंग दे बसंती, काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। और अब वो पिक्चर बनाने थे कर्ण,
जो उसको 600 करोड़ का बजट था, दो पार्ट में बनाने वाले थे और उसमें सूर्या को लेना चाहते थे, लेकिन कंगुआ का जो हश्र हुआ और उसके बाद उनको फाइनेंसर मिलना बंद हो गया, तो जो सूर्या के लिए एक बोल सकते हैं कि एक और बड़ी जो बजट की मूवी हो सकती थी कर्ण, वो नहीं बन पाएगी क्योंकि अभी वो फाइनेंस के चक्कर में फंस गई है। तो जो कर्ण पे न्यूज है वो निगेटिव है कि वो पिक्चर अभी ठंडे बस्ते में। इसके अलावा देखा जाए तो सनी पाजी को लेकर एक खबर आ रही है कि सनी पाजी जो थे वो राकेश, जो आपने देखा होगा राकेश रोशन जो थे, अभी उन 22 नवंबर को फिर रिलीज कर रहे हैं करण अर्जुन। तो करण अर्जुन में पहले जो सलमान खान शाहरुख खान ने जो करण अर्जुन का रोल किया था उसके जगह पे आमिर खान और अजय देवगन का नाम आता था। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि सबसे पहले जब ये मूवी का जब स्क्रिप्ट उनके दिमाग में आया था तो कायनात इस मूवी की नाम थी और इसमें सनी देओल के साथ बॉबी देओल को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि सनी देओल जो थे उस समय बहुत बड़े स्टार थे और वो नहीं चाहते थे कि उस समय बरसात आई नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि जो बॉबी देओल है वो इस पिक्चर में काम करें और फिल्म बरसात आने के पहले ओवर शेडोड हो जाए उनके स्टारडम से। तो इसलिए उन्होंने इस कारण से उन्होंने करण अर्जुन को वो मना किया कि कोई और एक्टर ले लो करण रोल के लिए, करण के रोल के लिए, और जो राकेश रोशन थे वो तैयार नहीं है, तो फिल्म जो है उसके लिए छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो अगला खबर आता है वो बॉबी देओल को लेकर है। बॉबी देओल की आपको पता है कि कंगुआ रिलीज हुई, काफी बॉबी देओल के फैंस हैं इंतजार कर रहे थे कंगुआ को लेकर, लेकिन कंगुआ चली नहीं। अभी तक जो खबर है वो 70 करोड़ के ऊपर उस क्रॉस नहीं कर पाई, 350 करोड़ का बजट है। वो दूसरा पार्ट भी बनाने के लिए तैयार थे जब पहला पार्ट में एकदम डिजास्टर हो गया था। मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि मूवी नहीं चलेगी, डिजास्टर होगी। लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जब आपका 350 करोड़ का बजट होता है तो आप क्या करते हो फिल्म के लिए? आप सोचोगे कि पहला दिन का जो एडवांस बुकिंग हो कम से कम 25-30 करोड़ के आसपास हो, तब जाके आप उस मूवी को वर्ल्ड वाइड में जो कनेक्शन पहला दिन का होगा कम से कम 70-80 करोड़ कमाओगे, 80 करोड़ 90 करोड़, तब जाके आप 350 बजट को क्रॉस करने का सोच सकते हो। लेकिन और देखिए सारा गेम होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकेंड में जो दर्शक होता है वो देख कर और माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाती है कि पिक्चर कैसी है कैसी नहीं है। तो अब एक तो उसका जो एडवांस बुकिंग था 10 करोड़ के आसपास था, तो पहला दिन के जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 40 करोड़ के आसपास हुआ। दूसरे दिन में उसका जो माउथ पब्लिसिटी हुआ तो उसके जो निगेटिव माउथ पब्लिसिटी, और तीन कारण प्रमुख है। अब तो देखिए मेकर्स जो है वो बॉबी देओल पे और जो क्या नाम है सूर्या के ऊपर बिल फाड़ रहे हैं, लेकिन जो दर्शकों का जो मैंने जो देखा और उसके ऊपर एनालिसिस किया लोगों से बात, एक तो बड़ा लाउड म्यूजिक था, मतलब लोगों को कान में बहुत चुभ रहा था, उसको ज्यादा लाउड बना के दिया गया था। दूसरा जो बॉबी देओल की एंट्री होती है बहुत लास्ट में होती है, एनिमल की तरह उन्होंने सोचा कि शायद एनिमल से सोच के उन्होंने बनाया होगा, बाद में शूट किया होगा, और डायलॉग भी बॉबी देओल के मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। तीसरा उन्होंने बताया, जो दर्शक थे जो देख के निकल रहे थे उन्होंने बताया कि फिल्म का जो फ्यूचर में और पास्ट में जो कनेक्शन है वो कोई जस्टिफाई नहीं करता, तो इसकी वजह से कहानी को कुछ ज्यादा ऐसे उन्होंने बोल सकते हैं ना खिचड़ी बना दिया कि लोगों को समझ में नहीं आया। सिंपल कहानी होता है लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत ही आप बोलोगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लो, मैथ का हिसाब थोड़े ना वहां बनाने गए कि मैथ मैथ का बनाना है या फिजिक्स का जो रिएक्शन है वो बनाना है कि आपको समझने की जरूरत है। पिक्चर आदमी इंटरटेनमेंट के लिए जाता है कि 2 घंटे 3 घंटे बैठे और उसको मजा आया चला है, कि वो अपना दिमाग लगाने जाएगा कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये पीछे वाला सीन क्या हुआ। तो इस वजह से पिक्चर जो है नहीं चली। और मैं मानता हूं कि जो पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी हुई वो आपको जब थर्सडे को रिलीज हुई, फ्राइडे को क्या हुआ, लोगों ने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिए सब बातें, और जो बॉबी देओल के फैंस थे वो काफी निराश हो गए। चाहे वो सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो बना के डाला कि बॉबी देओल का उसमें रोल नहीं है, तो ये सब वजह से वो पिक्चर नहीं चल पाई। और देखते हैं बॉबी देओल की नई पिक्चर जो आ रही है डाकू महाराज, उनमें भी एंट्री तो अच्छा दिखा है, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा जब तक तो पिक्चर नहीं देख लूंगा तो मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ बॉबी देओल के देखे। मैं भी फैन हूँ देओल का, मैं चाहता हूँ उनकी पिक्चर अच्छी चले, लेकिन मेरे चाहने से तो सब कुछ होता नहीं है। बॉबी देओल को देखना है कैसी पिक्चर करनी कहनी, कुछ तो अपने भाई से सनी पाजी से सीखना चाहिए। तो ये सब कुछ खबरें थी आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।